गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर। टुडे वी विल रिवाइज अवर नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव्स। यस, एडजेक्टिव मीन्स अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे नाउन, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। अब पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स। सो द डेफिनेशन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। जो नाउन की क्वालिटीज को बताते हैं या किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग को डिस्क्राइब करते हैं, उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, अंकित हैज शॉर्ट हेयर। अंकित हैज शॉर्ट हेयर, हेयर है अंकित के, वो कितने जैसे लॉन्ग है या शॉर्ट है, तो उनकी क्वालिटी ये बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है हेयर को, तो ये क्या है, शॉर्ट। नेक्स्ट, जैसे अमीना हैज लॉन्ग हेयर, अमीना के लॉन्ग हेयर है, तो यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग क्या है, ये जो हेयर वर्ड है इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं इसकी, जो कि भी मान लो चाहे वो लेंथ बता रहे हैं कुछ भी, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड शॉर्ट एंड लॉन्ग आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, सो दीज आर एडजेक्टिव्स। सम एडजेक्टिव टेल अस द ऑर्डर इन विच अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स और हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर देयर। नेक्स्ट, जैसे इसमें शीतल स्टूड फर्स्ट इन द रेस, देर आर 35 चिल्ड्रन इन द क्लास। तो जो टोटल स्ट्रेंथ भी हमें जो बता रहे हैं, मीन्स कोई भी थिंग्स कितनी है, हाउ मैनी पर्सन या थिंग्स आर देयर, तो ऐसे वर्ड्स भी क्या कहलाते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। सो फर्स्ट एंड थर्टी फाइव भी इसमें क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। नाउ वी विल डू प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट बॉक्स में है जो इसने फ्रॉक डाली हुई है, इसमें जो है ये क्या है, स्लीव लेस है, तो जैसे कि स्लीव लेस फ्रॉक क्या है, स्लीव लेस, तो ये इसका जो है एडजेक्टिव्स हैं, स्लीवलेस। नेक्स्ट है, जैसे बच्चे हैं यहाँ इसमें बॉक्स में, और ये क्या कैसे दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी। ये क्या है, ट्री, ट्री के जो है ब्रांचेस काफी जो है थिक हैं, तो ये जो है थिक वर्ड है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। और नेक्स्ट है, जैसे लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है, तो ये नॉइसी, नॉइजी। और नेक्स्ट है, जैसे फिफ्थ है डर्टी, और सिक्स्थ का विंडी, और सेवन्थ है ब्यूटीफुल, और एट्थ है हंग्री। तो इस तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दी सेंटेंसेस। इसमें जो वर्ड्स नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि सर्कल करने के लिए बोला गया, उस वर्ड को सर्कल करना है, और जहां अंडरलाइन करने के लिए बोला जाता है तो उसको अंडरलाइन ही करना है। फर्स्ट है, जैसे सीताज ग्रैंड मदर नीड्स ब्यूटीफुल कार्डिगन्स। कैसे कार्डिगन जो है वो बुनती है, ब्यूटीफुल कार्डिगन्स, तो ब्यूटीफुल क्या है, डिस्क्राइब कर रहे हैं कार्डिगन्स को, सो इट्स एन एडजेक्टिव। सेकेंड, द कोबरा इज अ पॉइजनस स्नेक। जो कोबरा स्नेक है वो कैसा है, ये तो जैसे टाइप बताया गया कि कोबरा स्नेक, बट कैसा होता है, ये पॉइजनस होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है। नेक्स्ट है, द कार रन अलोंग द डस्टी रोड। रोड कैसा है, डस्टी रोड, तो डस्टी क्या है, एडजेक्टिव। द क्रिएचर्स फ्रॉम आउटर स्पेस वर वियरिंग स्ट्रेंज क्लॉथ्स। तो आउटर कहां, कौन से स्पेस के, आउटर स्पेस, तो आउटर और स्ट्रेंज क्लॉथ्स कैसे पहनते हैं, वो स्ट्रेंज पहनते हैं, तो ये दोनों जो है हम इनको अंडरलाइन कर देंगे।
ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। मारियाज हैंडराइटिंग इज नीट, मारिया की हैंडराइटिंग कैसी है, नीट है, तो नीट वर्ड जो है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। चार्ली चैपलिन वॉज अ ब्रिलियंट कॉमेडियन, चार्ली चैपलिन वॉज अ ब्रिलियंट कॉमेडियन, तो यहाँ पे ब्रिलियंट को हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन टुक द स्ट्रे कैट होम। ओल्ड मैन कैसा है, ओल्ड, और कैट कैसी है, स्ट्रे कैट होम। जितेंद्रा कुक्स डिलीशियस फूड, फूड कैसा है, डिलीशियस को हमने अंडरलाइन कर दिया। यू शुड ईट फ्रेश लीफी वेजिटेबल, कैसी जो वेजिटेबल खानी चाहिए, फ्रेश हो और लीफी हो, हरी पत्तेदार। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स कलेक्टेड ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड एम्प्टी बॉटल्स फॉर रिसाइकलिंग, कैसी जो है न्यूज़पेपर, ओल्ड, और बॉटल्स कैसी, एम्प्टी बॉटल्स। ऑन रेनी डेज द महराज प्ले इनडोर गेम्स, कैसे डेज, रेनी डेज, और कैसे गेम्स, इनडोर गेम्स। नेक्स्ट है मीता एंड नीता सा अ शॉर्ट फिल्म ऑन एक्सटिंक्ट बर्ड्स, एक्सटिंक्ट बर्ड जो विलुप्त होने वाले बर्ड्स हैं, कैसी फिल्म, शॉर्ट फिल्म। नेक्स्ट है जैसे द गेस्ट केम इन द फैंसी ड्रेस टू द पार्टी, कैसी ड्रेस में, फैंसी ड्रेस में, तो फैंसी इसको ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है। सिंड्रेला फाउंड हरसेल्फ ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल गाउन एंड ग्लास स्लीपर्स, कैसे स्लीपर्स, ग्लास स्लीपर्स, गाउन के साथ ब्यूटीफुल गाउन। द जायंट फिनिश्ड ईटिंग द एंटायर फूड विद इन मिनट्स, कितनी देर में, जैसे कि एंटायर फूड, पूरा फूड जो है उसने खत्म कर दिया। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव दिए हुए हैं, जो सुटेबल है वो हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। जैसे गोलियत वॉज अ क्रूल जाइंट, तो यहाँ पे जाइंट कैसा है, क्रूल है। रोजेज हैव अ वेरी डैश स्मेल, तो कैसी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है, तो यहाँ हम स्वीट को जो है क्या कर देंगे, यहाँ फिल करेंगे इसमें ब्रैकेट में से। दे ऑल सेट एट द डैश टेबल, कैसी है टेबल, टू क्रूल या वुडन, तो यहाँ वुडन ही इसमें सुटेबल वर्ड है, वुडन टेबल। मारियाज हाउस इज वेरी डैश बिग सॉफ्ट काइंड, तो इस तरह से आप इसमें जैसे कि हाउस की हमें बताना है, तो बिग है या सॉफ्ट है या काइंड है, तो ये सॉफ्ट और काइंड तो हो नहीं सकता, बिग बिग हम इसमें जो है राइट कर देंगे। सो लाइक दिस यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ एडजेक्टिव्स विच आर एडजेक्टिव वर्ड्स, डू प्रैक्टिस डी आल्सो इन डी एक्सरसाइज, सर्कल द एडजेक्टिव इन दी सेंटेंसेस, यू देन राइट यस और नो आफ्टर ईच स्टेटमेंट। जैसे इसमें दिया गया है कि जैसे फर्स्ट है माउस कैन जम्प ओवर ए बिग ओवर ए हाई वॉल, तो नहीं जम्प कर सकता, तो यहाँ पे जैसे कि हमें एडजेक्टिव को, वॉल कैसी है, हाई वॉल, तो एडजेक्टिव को तो हमें सर्कल करना है और यस नो में आंसर देना है। सो लाइक दिस यू विल डू दिस बुक एक्सरसाइज एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ एडजेक्टिव्स विद दिस बुक एक्सरसाइज। ओके बेटा, थैंक यू।